कस्त्वायुनक्ति सत्त्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति कर्मणि वां वेशाय वां कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वेदों में, दर्शनों में, साहित्य ग्रंथों में, मोक्ष शास्त्रों में जीवन उस परमपिता परमात्मा ने दिया, किंतु इसको इस संसार में हम कर्म करते हुए जीने का प्रयास करें। कुर्वन ने वेह कर्माणि जिजीविषे, कार्य कर्म करते हुए शतायु हो, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखे, किंतु केवल और केवल कर्म करते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। जीवन अमूल्य है, बहुमूल्य है, किंतु इस जीवन में, इस जीवन को जीने की कला का कौशल सीखना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो जीवन की 100 वर्ष की आयु बीत जाएगी और व्यक्ति फिर दुखड़ा रोएगा कि कितनी आयु मैंने व्यर्थ गवा दी और क्या मैंने जीवन में अर्जन किया। क्योंकि जब तक जीवन में कोई कुछ अर्जन नहीं होता, कोई अचीवमेंट नहीं होती, तो सफलता के बिना व्यक्ति सुखी नहीं होता, और सफलता पाकर के भी सुखी रह सके वह भी बहुत बड़ी बात है। तो जीवन रूपी पुष्प बहुत अमूल्य है, उस परमपिता परमात्मा की सौगात है। तो इसे जीवन में कुशलतापूर्वक जी, अपने प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक कार्य को उस परमात्मा के लिए अर्पित करते हुए जी। कैसे हम अपने प्रत्येक कर्म को उस परमपिता परमात्मा के लिए अर्पित कर सकते हैं, यह बहुत उच्च स्थिति है। इसको जीना, इसको सीखना, यह कोई आपको कोई ऐसे नहीं सिखा सकता जैसे कोई आपको गणित का कोई सूत्र सिखाए, कोई मैथ का कोई फॉर्मूला सिखाए, ऐसे नहीं सिखा सकता। कोई विधि ऐसी नहीं है, यह तो एक भाव है। जैसे हम जीते हैं अपने परिवार के लिए, जैसे कुछ लोग जीते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लोग जीते हैं धन संपत्ति कमाने के लिए, कुछ अपने यश सम्मान कीर्ति को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे ही जिया जाता है, ऐसे ही कर्म किया जाता है परम पिता परमात्मा के। जैसे घर में माताएं वस्त्र धोती हैं अपने बालकों का, अपनी बालिकाओं का, जैसे घर में माताएं सेवा करते हैं अपने घर परिवार की, या जैसे नौकरी चाकरी हम करते हैं अपने बॉस की, ऐसे ही कर्म किया जाता है परम पिता परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस अंतर्यामी के लिए जो हमारे हृदय में विराजमान है, उस परम आनंद के प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है। कर्म कैसे किया जाता है? जैसे धन कमाने के लिए करते हैं। जैसे धन कमाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं तो अपना पूरा हाव भाव तन मन सब कुछ उसी में समर्पित करते हैं, और धन कमाने के लिए धन भी समर्पित करते हैं। व्यक्ति पहले धन लगाता है, फिर धन से धन बढ़ता है। ऐसे जैसे व्यायाम किया जाता है बल बढ़ाने के लिए, ऐसे ही जीवन का हर एक कर्म किया जाता है, इस वाणी से हर एक शब्द बोला जाता है, इस मन से हर एक चिंतन किया जाता है, इन हाथों से हर एक कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है उस परमात्मा की। उसमें सबसे बड़ी चाहना क्या है? अभीप्सा। जिसको प्रभु को पाने की अभीप्सा है। बहुत उपाय सुने होंगे आप लोगों ने, ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है साधना से, भक्ति से, किंतु एक कर्म योग भी बहुत अधिक सबल है हमको उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचाने की। अपने कर्म को किंतु भगवत अर्पण करना बिना किसी अपेक्षा के, इसे हर एक महापुरुष ने कहा। आचार्य शंकर भी उपनिषदों के भाष्य में, श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में बार बार जहाँ भी भक्ति की बात आती है, जहाँ भी समर्पण की बात आती है कि ईश्वर मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संचय। जब भी भगवद अर्पण की बात आती है, भगवान की, ईश्वर की जहाँ भी बात आती है श्रीमद् भगवद गीता में, तो आचार्य शंकर यही अर्थ करते हैं कि ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से, कि सब कर्मों के फलों को मैं ईश्वर के चरणों में समर्पित करता हूँ, और उससे विपरीत, उसके बदले में मुझे उस ईश्वर से कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी भावना रखता हूँ, यह ईश्वर भक्ति है, यह भक्ति की स्थिति है। तो इस भक्ति की स्थिति को बरकरार करने के लिए, बनाने के लिए,
धीरे 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 यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। तो प्रथम तो अभीप्सा, इस उपाय को वे लोग कर सकते हैं जिनके अंदर भगवत प्राप्ति की अभीप्सा है। उनको बस थोड़ा ध्यान देना है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे भीतर कर्म करते हुए कर्म के साथ लिप्त हो जाना है स्वाभाविक होता है, थोड़ा सा सहज होता है। स्वभाव तो खैर आत्मा का, अध्यात्म व्यक्ति का स्वभाव है, प्रसन्नता व्यक्ति का स्वभाव है, असंग व्यक्ति का स्वभाव है, आसक्ति व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। तो उस असंग की स्थिति को में आने के लिए थोड़ा प्रयास जरूर करना पड़ता है। तब हम प्रत्येक जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्तव्य का धर्म का निर्वहन करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को करते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अथवा उसके कारण से मैं अपना सम्मान या अपनी ख्याति कीर्ति, इस तरह की भावना कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर घर कर लेती हैं। तो इन सब भावनाओं को एक तरफ करने के लिए मैं जो भी कर्म करूँ वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वह भगवान के चरणों में इसी प्रकार हो कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति। जैसे हम पत्र कहीं से सुंदर सा पत्र तोड़ करके लाएं, कोई पुष्प अच्छा सा कहीं से चुन कर लाएं और उसे जैसे भगवत चरणों में समर्पित कर देते हैं, फिर ना उस पुष्प के प्रति कोई राग रहता, ना उस कर्म के प्रति कोई राग रहता। केवल भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद हम प्रसन्नता की, आनंद की अनुभूति करते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ प्रभु को सौंप दिया। तो हम भगवान को यूँ तो कुछ भी नहीं सौंप सकते, क्योंकि सारी सृष्टि, सारा जगत, कण कण उस ईश्वर के द्वारा रचा बसाया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। तो हम क्या उस प्रभु को समर्पित करेंगे? हमारे यहाँ तक कि हमारे भीतर मन में जो भाव है, जो प्रसन्नता है, जो भी आनंद की स्थिति है, वह सब उस परमात्मा के कारण से है। उस ऐसे अंतर्यामी को, ऐसे सर्व जगत व्यापी उस परम पिता परमात्मा को, घटघट वासी को, उस हर हृदय में वास है जिसका, उस परम पिता परमात्मा को हम क्या समर्पित कर सकते हैं? तो एक कोरी कल्पना तो कर सकते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, ये कोरी कल्पना नहीं है खाली, इसके माध्यम से चित्त में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्यों? आप स्वयं सोचिए, जैसे आप अपने बच्चे के लिए जब कर्म करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तब आपकी चित्त की स्थिति कैसी होती है? ऐसे ही हम जो भी संसार में कर्म करेंगे, उन्हें करते हुए हमारी स्थिति, यदि हम उन कर्मों के द्वारा, उन कर्मों के फल से कुछ भी नहीं चाह रहे, देखिए, यदि हम सेवा करेंगे तो सम्मान मिलेगा ही, स्वाभाविक है, किंतु मेरी मन की वैसी विचार ना हो, मेरी धारणा ना हो, तो भगवान के पथ पर व्यक्ति सहजता से आगे बढ़ सकता है। ये सबसे सरल उपाय है, लेकिन उनके लिए जिनकी अभीप्सा है। बिना अभीप्सा के तो, जैसे जिसको धन कमाना ही नहीं, तो उस व्यक्ति के लिए उस तरह का प्रवचन किस काम का है कि जो है आप धन कमाने के लिए ये करो वो करो, वो कहेगा मुझे कमाना ही नहीं, तो मुझे धन कमाना ही है, मुझे धन कमाने में उसकी प्रवृत्ति ही, मुझे आदर्श के रूप में उस व्यक्ति को स्थापित होना ही नहीं संसार में, तो वह क्यों उस तरह का कर्म करेगा? और करते भी नहीं लोग। अधिकतर लोग इस कारण से प्रमादी बने रहते हैं क्योंकि वो संसार में आदर्श के रूप में नहीं खड़ा होना चाहता। इस पूरे संसार में कोई भी गुरु अपने शिष्यों के लिए आदर्श है, पर उस बात को वो समझे तो। इस संसार में कोई भी अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, यदि वो सोचे समझे तो, या उसको आदर्श के रूप में होना चाहिए। हर एक माता पिता अपने बालक बालिकाओं के लिए एक्टर एक्ट्रेसेस है, वो सबसे बड़े रोल मॉडल है, पर वो उस बात को समझे तो, या उनको वैसा होना चाहिए। तो अब संसार में पुरुषार्थ वही वो लोग करते जो कुछ कर गुजरना चाहते, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो। रावण ने भी पुरुषार्थ किया था बल की प्राप्ति के लिए, साधना की थी, तपस्या की थी, तब जाकर के बल की प्राप्ति हुई। तो संसार में वे लोग आगे बढ़ते हैं, वे लोग कर्म करते हैं, इसलिए कहा कि अनंतमः प्रविशन्ति यः विद्याम् उपासते ततो भूयैव तेतमो यः विद्यायामृतः। वे लोग तो अंधकार में जाते ही हैं जो कुमारगामी हैं, किंतु वे लोग और भी अधिक अंधकार में जाते हैं जो खाली ज्ञान की बातें करते हैं, कर्म कुछ नहीं करते। यह कहेंगे कि बहुत अच्छा, शास्त्र पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ भी लिए, लेकिन शास्त्र पढ़ के आचरण में भी लाने चाहिए, शास्त्र पढ़ के दूसरों को भी पढ़ाने चाहिए, शास्त्र पढ़ के उपदेश भी करना चाहिए, शास्त्र पढ़ करके संसार में परिवर्तन भी करना चाहिए, खाली ऐसा नहीं कि बैठे रहे व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व
जो केवल और केवल विद्या की अंधविश्वास के साथ उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति संसार में जो सृजन नहीं कर रहा वह तो संसार के लिए किसी काम का नहीं। उससे ज़्यादा अच्छा इसीलिए तो यताना कह देते कि जो कुछ नहीं कर रहा उससे ज़्यादा अच्छा वो है जो कम से कम जो है बार बार किसी वस्त्र को फाड़ करके फिर सील रहा है। अब हरियाणा में तो बोले गुदड़ी को पहले सीले फिर उधेड़े, फिर सीले फिर उधेड़े, वो ठीक कुछ तो जीवन में कर रहा है कम से कम, क्योंकि मनुष्य नहीं कश्चित क्षणम अपि जाति तिष्ठत्य कर्म, कोई एक क्षण के लिए भी अकर्मी नहीं रह सकता, तो फिर जीवन भर अकर्मी रहने की बात ही है। तो कर्म बहुत बड़ा साधन बताया है शास्त्रों में कर्म की उपासना करने को कहा गया है, किंतु अनासक्त भाव से। यह बात समझ नहीं है सब जगह, आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे कोई शास्त्र यह नहीं कहता कि कर्म छोड़ देना चाहिए। इवन यहाँ कहा है कि अकर्मादस्यु, जो कर्म नहीं करते वे राक्षस है, वे असुर है। क्यों? क्योंकि जो कर्म नहीं करता वह कितने लोगों को प्रमादी बना सकता आप सोच नहीं सकते। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः, ए अर्जुन यह बात अपने मन में बिठा लो कि श्रेष्ठ महापुरुष लोग जिस आचरण को करते हैं उसका ही अनुसरण सारा संसार करता है। आप देख लीजिए, देखिए यह एक जो आइडियल, हम आइडियल किसको समझते हैं, आइडियल किसको मानते हैं, या वह आइडियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यह बात अलग है, किंतु हम जिसको आइडियल मानते हैं, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, जिसको हम यह मानते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, जिसके नक्शे कदमों पर हम चलना चाहते हैं, हम उसका अनुसरण करते हैं। उसके बाल जैसे होंगे हम भी बाल वैसे ही, यदि वो बाल रंगाएगा तो हम भी रंगा लेंगे, वो यदि टकला हो जाएगा तो हम भी टकले हो जाएंगे, वो बाल खड़े कर लेगा तो हम भी बाल खड़े कर लेंगे, वो दाढ़ी रखेगा तो हम भी दाढ़ी रखेंगे, वो जैसे यदि फटी जीन्स पहनेगा तो हम भी फटी जीन्स पहनेंगे। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये श्रेष्ठ है। वह शराब पिएगा तो हमें भी लगेगा हम भी शराब पिएंगे, वह धूम्रपान करेगा तो हमको भी वही अच्छा लगेगा। तभी तो छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में पड़े रहते, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, फिल्में देखते हैं, फिल्मों में जिसको रोल मॉडल मानते हैं, जिसको आदर्श मानते हैं, उसके नक्शे कदमों पर चलते हैं। तो यह बात तो सत्य है कि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः, जो जिसको श्रेष्ठ मानता वह जैसा आचरण करता वह उसी का अनुसरण करता है। एक प्रमादी को भी कोई ना कोई, यदि किसी का पिता प्रमादी है तो वह अपने बच्चों को प्रमाद की शिक्षा दे रहा है। इसीलिए माता पिता को पूजने का मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो, जो मातृमान है पितृमान है जो आचार्यवान है, जिसके आचार्य माता पिता समर्थ हैं और आदर्श जीवन जीते हैं, ऐसे बच्चे का, ऐसे बालक बालिका का बाल विवाह का नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में माँ को सबसे अधिक दर्जा, दूसरे नंबर पर पिता को, और फिर आचार्य को सबसे ऊपर माना। इन तीनों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया भारतीय परंपरा, क्यों? क्योंकि ये बालक बालिका का निर्माण करते हैं और उसको निर्वाण तक पहुंचाते हैं, उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की यात्रा पूरी उसकी कराने में उसके सबसे बड़े सहयोगी होते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ कर्म की उपासना करती है भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृति कर्म की उपासिका है। भारतीय संस्कृति में कर्म की उपासना है। अकर्मियों को तो दस्यु कहा गया, अकर्मियों को निठल्ले निकम्मे नकारा कह करके, क्योंकि वे ऐसे ऐसे राजा जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया उनके कारण से भारत वंश पराजित हुआ, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया। नंद जैसे राजा, व्यभिचारी, अजितेंद्रिय राजा, क्यों? क्योंकि वे भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को समझाएंगे। भोग विलास ऐश्वर्य के कारण व्यक्ति में आता है, इसलिए शास्त्रों में राजा होने का अधिकारी उसी को बताया गया जो जितेंद्रिय है। जो जितेंद्रिय है उसको राजा होने का अधिकारी नहीं, क्यों? वह कभी ना कभी फिसलेगा, कभी ना कभी गिरेगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, कितनी ऊंची बातें करे, किंतु उसका जीवन कहीं ना कहीं खोखला ही रहेगा। इसलिए शास्त्रों में विद्या की बात करी, नियम की बात करी, संयम की बात करी, विद्या ददाति विनय की बात करी, और विनय से व्यक्ति के भीतर जितेंद्रियता की बात करी, वृद्ध जनों के साथ उठने बैठने की बात करी,
क्यों? क्योंकि अपने से छोटों के साथ बैठेगा व्यक्ति तो कुछ बुरा सीखेगा, बड़ों के साथ बैठकर तो ज्ञान की बातें सीखेगा। इसलिए बड़े बूढ़ों के साथ बैठना लाभकारी होता है। तो भारतीय संस्कृति कर्म की उपासिका है, भारतीय संस्कृति अकर्म की उपासिका नहीं है। कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना, कर्म संसार में सब कुछ प्राप्त करा सकता है और अकर्मी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, अभी तो संहार कर सकता है एक निठल्ला आदमी। क्यों? खुद निठल्ला रहेगा, दूसरों को वैसा ही होने का उपदेश देगा और संसार भी उसका अनुसरण करेगा। और इसलिए संसार में जो भी उसके इर्द गिर्द रहेगा वह तो अकर्मी हो जाएगा। क्यों? व्यक्ति किसी ना किसी से तो प्रभावित होता ही है संसार में। तो इसलिए जीवन रूपी इस अमूल्य बीज को धीरे से पल्लवित पोषित करने के लिए हमको अभीप्सा जरूरी है भगवान की, और कर्म के माध्यम से हम संसार में यश सम्मान कीर्ति धन सब कुछ प्राप्त तो करते ही हैं। किंतु यदि यही कर्म, यह सत्य है, व्यक्ति जितना प्रचंड पुरुषार्थी होगा वह उस क्षेत्र में उतना ऊंचा जाएगा। यदि कोई धन कमाने की किसी को धन लग जाए और दिन रात पुरुषार्थ करे उसके लिए, तो धन कमा लेगा, संसार में सबसे बड़ा अमीर भी बन जाएगा, सबसे धनवान भी बन जाएगा। किंतु किसी भी प्रकार के कर्म को करते हुए, यह बहुत तंत्र की बात है, ध्यान से सुनिए, कि संसार में कोई भी कर्म करते हुए, कितने ही प्रचंड वेग से करते हुए, यदि किसी को यह इच्छा है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है किंतु मुझे चिकित्सा भी बहुत प्रिय है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी की तो किंतु मेरे अंदर यह अभिलाषा है कि मुझे संसार में सबसे अधिक धनवान बनना है, मुझे सबसे अधिक बलवान बनना है, मुझे सबसे बड़ा अध्यापक बनना है, शिक्षक बनना है। कोई भी लक्ष्य जीवन का हो, वे सारे लक्ष्य, वे सारे गंतव्य, आपकी हर एक चाहना परमात्मा की राह की ओर ही है, और वह और अधिक शीघ्रता से पूरी हो सकती है यदि आपके भीतर अधिक अभीप्सा है। तो जिस कर्म को कर रहे हैं उस कर्म को और अधिक प्रचंड पुरुषार्थ से करें, जितने प्रचंड पुरुषार्थ से कर सकते हैं, किंतु प्रतिपल उस प्रत्येक कर्म से मिलने वाले फल को भगवत चरणों में समर्पित कर दें। तब आप देखेंगे कि आपके भीतर भगवत प्रेरणा, हमारे भीतर भगवत प्रेरणा कैसे हो। हमने यह तो सुन रखा है कि भगवान प्रेरणा करते हैं हमारे भीतर, किंतु वह प्रेरणा करने का सामर्थ्य हमारे भीतर होना चाहिए और उस प्रेरणा को जगाने का कार्य हम करते हैं। जैसे दीपक को जलाने का कार्य हम करते हैं, फिर प्रकाश वह दीपक स्वयं देता है। तो इसी प्रकार से हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके उस भगवान को संतुष्ट कर देते हैं, उसको तृप्त कर देते हैं। ब्रह्मचारिष्णश्च रतिरोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, सदाधार पृथ्वीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति। स आचार्यं तपसा पिपर्ति का अर्थ यह भी बहुत अच्छा है कि हम अपने आचार्य को, परम पिता परमात्मा को तपसा पिपर्ति, अपने तप से तृप्त कर देते। और सबसे बड़ा तप यह है कि हम कर्मों को करें और कर्मों के फल का त्याग कर दें। श्रीमद् भगवद गीता में त्याग की परिभाषा भी यही करी कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण। त्याग की परिभाषा यही करी कि सभी कर्मों के फलों का त्याग ही वास्तव में त्याग है। तो जब इस तप को, इस त्याग को हम करेंगे तब परमात्मा हमारे लिए सुलभ होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कोई वासना शेष न होगी, हमारे भीतर कोई कामना, कोई स्वयं की इच्छा शेष न होगी। और इच्छा न होने पर व्यक्ति नीरस नहीं, व्यक्ति के भीतर सबसे बड़ा रस उत्पन्न हो जाता है, महान आनंद की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति अपनी कामनाओं का परित्याग करता है तब व्यक्ति अपने विराट स्वरूप का अनुभव करता है, तब इस आत्मा के अंदर परमात्मा का सारा प्रकाश, सारा ज्ञान, सारा सुख, सारा आनंद, सब कुछ प्रकाशित होता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ महापुरुषों को भगवान कह करके संबोधित किया जाता है, भगवस्य स्थिति भगवान, जो ऐश्वर्यशाली है, जो भगवान के ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसके भीतर से परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का सुख, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की वाणी, जिसके माध्यम से इस संसार में प्रकाशित होती है। इसलिए उस महापुरुष को भगवान की संज्ञा देते हैं, वह ईश्वर के समकक्ष होता है, क्योंकि उसके भीतर से कभी भी बुरा नहीं निकल सकता, उसके भीतर से कभी भी गलत शब्द नहीं निकल सकते, किसी का कल्याण रह नहीं चाह सकता, किसी
के लिए उसके हृदय के भीतर उसका बुरा करने की भावना नहीं हो सकती। वह केवल और केवल भद्र की चाहना करता है, भद्र की कल्याण की चाहना उसके भीतर होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना उसके भीतर होती है। तो आइए पुनः प्रसंग की ओर लौटते हैं। तो कर्म करके भारतीय संस्कृति कर्म की उपासिका है, कर्म की उपासना भारतीय संस्कृति में होती है और कर्म के द्वारा व्यक्ति संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, परमात्मा तक की उपलब्धि कर सकता है। तो उस कर्म में किंतु अनासक्ति के भाव से कर्म होना चाहिए। कर्म की उपासना करें हम किंतु अनासक्त भाव से, कर्म की उपासना करें किंतु कर्म फल को त्याग करते हुए अनासक्त भाव से। अनासक्ति क्या है? दरअसल क्या होता है कि हम जब भी कुछ करते हैं तो हमारे भीतर कोई ना कोई चाहना, कोई ना कोई इच्छा, और इच्छाएं होती है अनंत ही। इच्छा व्यक्ति की अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, अंतहीन इच्छाएं, ये कामनाएं अंतहीन है। तो सर्वोत्तम उपाय है सबसे पहले इच्छाओं से मुक्त हो जाए, फिर कर्म यानी आपका जो कर्तव्य है उसको आप करें और उस कर्तव्य को अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से तन मन सब कुछ लगा करके करें और उसके बाद उसमें आसक्ति छोड़ दें। आसक्ति क्या है कि मुझे इतना लाभ होना था, इतना होना चाहिए था, उससे दुखी ना हो, उससे भी ज़्यादा लाभ होगा, उससे भी ज़्यादा सुख मिलेगा, जो कुछ आज आपके पास है उससे भी ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। क्यों? योगेश्वर श्री कृष्ण भी कहते हैं, न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवाप्तम अवाप्तम। कुछ प्राप्त करने योग्य अब दिखता नहीं और ऐसा कुछ है नहीं जो प्राप्त हुआ नहीं, तो सब कुछ आप संसार में प्राप्त कर सकते, भगवान तक प्राप्त कर सकते, किंतु कर्म करते हुए। कर्म करना चाहिए अपनी निष्ठा से। दरअसल क्या है, कर्म करते तो हैं फिर शिकायतें करते हैं कि ऐसा कर्म किया, ऐसे मैंने इतना कर्म किया, इतना पुरुषार्थ किया, मैंने इतना काम किया, किंतु फल में मुझे वैसा मिला नहीं। फल कोई देता नहीं, लोग तो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं आपके चरणों में आते हैं। आप सेवा को अपनाएं, आप अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखें। यदि आपके आपके कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा है, संसार की कोई शक्ति अब विश्वास तो करे, कहा ना तस्मिन देवा सम्मनसो भवन्ति, कि जो व्यक्ति अपनी निष्ठा से अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का निर्वहन करता है, उसके लिए सारी सारा संसार, सारी समष्टि, सारी सृष्टि उसके साथ लग जाती है और उसका सहयोग करती है। तब आपका कैसे सहयोग नहीं? और विश्वास कीजिए, वेद के वचन, ये शास्त्रों के वचन, ये पत्थर की लकीर हैं, ये लोहे पर गुथे हुए चिन्ह हैं, ये अमिट हैं, पर इन पर विश्वास करना और विश्वास करके उस कर्म को करना। कभी कभी हम कुछ कर्म करते हैं और शास्त्र के वचन बाद में प्रकाशित होते हैं। हम कोई व्यक्ति इतना सरलता से जीवन जी रहा होता, फिर वह शास्त्र में पढ़ता कि अच्छा सरलता से जीवन जीना चाहिए था, कोई स्वाभाविक तौर पर संयमी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। शास्त्र दरअसल वे जीते जा राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीते जाते शास्त्र हैं, उन्हें शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उन पर शास्त्र लिखे गए, उन पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखी गई है, योगेश्वर श्री कृष्ण पर महाभारत लिखी गई है। श्रीमद् भगवद गीता से योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं सीखते, योगेश्वर श्री कृष्ण की जीवनी गीता है। यह बात हमको समझनी होगी कि हम चलते फिरते स्वयं शास्त्र ही बन जाए, तब शास्त्र वचनों में और हम में कोई भेद नहीं रहेगा। इसी के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः।